नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी घर और किचन में काम आने वाली कुछ आसान सी टिप्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। देखिए, कुशन कवर तो हम सभी के घरों में होते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है, कुछ टाइम बाद इस तरह से इनकी चैन खराब हो जाती है। ये देखिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टाका लगा लेते हैं सुई धागे से, या फिर इसे बेकार समझ कर फेंक देते हैं। तो देखिए, इस चैन को ठीक करने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी आज। तो सबसे पहले हम इस तरह रनर को निकाल लेंगे। यहाँ से रनर को हम निकाल लेंगे। अब सबसे पहले हम इस तरह से यहाँ पे जो आसपास धागे हैं, धागों को कट कर लेंगे। अब देखिए, इस तरह से पकड़ेंगे इसे और यहाँ से इसे हल्का सा चैन को खोल लेंगे। देखिए, इस तरह से खोल लेंगे एक तरफ से। देखिए, से हमने खोल लिया है यहाँ से, एक साइड से खोलना है हमें इसे। अब हम इसे इस तरह से डालेंगे एक तरफ से। देखिए, इस तरह डालेंगे, एक तरफ से इजीली डल गया है ये। देखिए, अब इसे लेंगे, इसके अंदर इस तरह डालेंगे, इस तरह से इस तरह डालेंगे। अब इसे हल्के से खींच लेंगे। ये देखिए, देखिए हमारी चैन लग गई है। ये देखिए, अब इसे खोलेंगे, फिर से एक बार डाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, रनर निकाल दिया हमने, इस साइड से डालेंगे। ये देखिए, ये डल गया, ये तो आसानी से डल जाता है यहाँ पे। अब इस वायर को यहाँ से डालेंगे, इस साइड से, और धीरे से वायर को खींच लेंगे, इसे पकड़ेंगे, इस वायर को खींचेंगे। ये देखिए, देखिए हमारी चैन बिल्कुल ठीक हो गई है। इस तरह से आप किसी भी बैग की चैन ठीक कर सकते हैं, पर्स की चैन ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसे उल्टा कर लेंगे, कवर को हमने उल्टा कर लिया है। अब हम यहाँ पे टाका लगाएंगे, नहीं तो यहाँ से चैन निकल जाएगी। इस तरह पकड़ेंगे, सुई धागा लेंगे, इस तरह से यहाँ पे टाका मार लेंगे, जिससे हमारी चैन यहाँ से खिसके ना। अच्छी तरह पक्का कर लेंगे इसे यहाँ से। अब यहाँ पे नॉट लगा देंगे, दो तीन बार नॉट लगा लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। देखिए, अब यहाँ से चैन निकलेगी नहीं, इस तरह इस साइड आएंगे, इसे भी इस तरह पकड़ेंगे, यहाँ पे भी टाका लगा लेंगे और चैन को यहाँ से बंद कर देंगे। इसे कट कर लेते हैं, इसे फिर से सीधा कर लेंगे और हमारी चैन बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। इस आसान तरीके से आप अपने पर्स की चैन ठीक कर सकते हैं, बैग की चैन ठीक कर सकते हैं, कोई भी चैन आप ठीक कर सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी दूसरी टिप। देखिए, अक्सर हम पनीर मार्केट से खरीद के लाते हैं, कुछ पनीर हम यूज कर लेते हैं और बाकी बचा हुआ पनीर हम फ्रिज में रख देते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि पनीर या तो खराब हो जाता है रखे रहने से, या फिर ये चारों तरफ से सूख जाता है, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय बताऊंगी, जिससे पनीर ज्यादा समय तक ताजा बना रहेगा और खराब भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस तरह से पानी डाल देंगे। देखिए, जहां तक हमारा पनीर है, इस तरह पानी भर लेंगे इसमें, और इस तरह पानी में डुबोकर रखने से पनीर काफी टाइम तक खराब भी नहीं होगा और सॉफ्ट और ताजा भी रहेगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी टिप की तरफ। देखिए, इस तरह के बर्तन हम सभी के पास होते हैं। देखिए, इस तरह से थोड़ा टाइम यूज करने के बाद इस तरह काले पड़ जाते हैं। तो मैं इसको आपको साफ करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, और इसके लिए आपको मार्केट से कोई भी सामान लाने की जरूरत नहीं है, घर में पड़े सामान से इसे मैं साफ करके दिखाऊंगी आपको। इसे साफ करने के लिए हम लेंगे हार्पिक, ये सभी के घरों में होता है। ये देखिए, इसे इस तरह से इसके चारों तरफ लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से चारों तरफ फैला लेंगे इसके। इसे हाथों से इस तरह से चारों तरफ फैला लेंगे। आप चाहें तो हाथों में ग्लव्स पहन सकते हैं। अब इसे 5-10 मिनट इसी तरह से लगा हुआ छोड़ देंगे। देखिए, इसमें हार्पिक लगाए हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, हल्का हल्का साफ भी होने लगा है, बिना घिसे। अभी हमने इसे बिल्कुल भी नहीं घिसा। ये देखिए, अब हम स्क्रब लेंगे, इसे इस तरह से मांज लेंगे, हल्के हल्के से रगड़ना है इसे। देखिए,
हमें इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हारपिक लगाते ही ये खुद ही साफ होने लगा था। ये देखिए अंदर से बिल्कुल चमक गया है ये देखिए। अब हम इसे पानी से धो लेंगे। ये देखिए पानी से हमने इसे धो लिया है, अंदर से बिल्कुल एकदम साफ हो गया है ये। और इसे साफ करने में हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, हमने इसमें हल्का सा हारपिक लगाया था और हल्का सा इसे मांझ लिया था। ये देखिए ये बिल्कुल नया हो गया है ना, कमाल की टिप। तो हम बढ़ते हैं अपनी चौथी टिप की तरफ। अक्सर हमारे पास इस तरह के पैकेट होते हैं तो हम कुछ सामान इस तरह से पैकेटों से निकाल के जार में भर लेते हैं। देखिए इस तरह बंद करके रख देते हैं और देखिए बाकी बचे पैकेट को हम इस तरह फोल्ड करके रख लेते हैं इस तरह से, जिससे सामान इसमें से गिरकर फैल जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा उपाय बताऊंगी। हम लेंगे एक प्लास्टिक की कोई भी बेकार बोतल, एक मोमबत्ती लेंगे। अब हम चाकू को इसमें गर्म कर लेंगे, इसे गर्म कर लेंगे तेज। आप चाहें तो गैस पर भी गर्म कर सकते हैं। मोमबत्ती को हटा लेंगे, अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए बोतल को हमने इस तरह से कट कर लिया है, बाकी बोतल को हम अलग रख देंगे। अब देखिए इसे लेंगे, इसके अंदर डाल लेंगे, इसे इस तरह डाल लेंगे। अब हमें एक रबड़ लेंगे, इसकी जगह हमें पतली रबड़ लेनी थी लेकिन हमारे पास पतली रबड़ नहीं है तो मैं इसी का यूज़ करके दिखाऊंगी आपको। आप इसकी जगह पतली से रबड़ ले लें, इस तरह लगाएंगे इसमें। ये देखिए अब जब भी इसे आपको यूज़ करना हो यहाँ से खोलेंगे, इस तरह से जार लेंगे, इस तरह डाल देंगे और फिर से इसे बंद करके रख देंगे। ये देखिए अब फिर से हम जली हुई मोमबत्ती लेंगे, इसमें चाकू को फिर से गर्म करेंगे, अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। हम बाकी बची हुई बोतल लेंगे और इसे कट कर लेंगे। इसे अलग रख देंगे। अब देखिए गर्म प्रेस लेंगे, इसे लेंगे, इस तरह से लगाएंगे इसमें हल्के हल्के से, जिससे कि इसके किनारे तीखे नहीं रहेंगे। देखिए किनारे हमने इसके मोड़ लिए, अब इससे हमारा हाथ कटेगा नहीं यहाँ से। ये देखिए बिल्कुल प्लेन किनारे हो गए हैं इसके। कोई भी पुरानी लेगिंग लेंगे, इस तरह से रखेंगे इसे सीधा। अब इसे इसके ऊपर रखेंगे और इतनी जगह यहाँ पर भी छोड़ के इसे कट कर लेंगे। हम इसे इसके अंदर डाल लेंगे, इसे डाल लेंगे। अब देखिए हम क्विक फिक्स लेंगे, इस तरह से इसे लगा लेंगे यहाँ पे। कपड़े को इसमें पेस्ट कर देंगे। ये देखिए इसे हमने पेस्ट कर दिया है क्विक फिक्स से। आप चाहें तो यहाँ पे सुई धागे से भी सिलाई कर सकते हैं इसकी। अब इस तरफ आएंगे, इसके चारों तरफ अंदर से क्विक फिक्स लगा लेंगे। आपके पास ग्लू गन है तो आप ग्लू भी लगा सकते हैं इसमें। अब इसके अंदर इसे इस तरह डाल लेंगे। तो कपड़े को हमने अंदर की तरफ पेस्ट कर लिया है, हमारा छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनकर बिल्कुल रेडी है। इसमें आप अपनी चम्मचें रख सकते हैं। ये देखिए